नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी का पार्ट 10 लेकर आया हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, तो उसका पार्ट 10वां लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 9 पार्ट बना चुका हूँ, तो उन वीडियो को देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चुनिंदे चुनिंदे प्रश्न मैं लेकर हिंदी का आया हूँ, तो उसके बाद ये लास्ट पार्ट देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता नहीं है, 3 से 4 मिनट का वीडियो रहता है। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम 64वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 64वां प्रश्न कह रहा है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। मतलब बिहारी जी का नाम आपने सुना ही होगा, वो किस रस से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा श्रृंगार रस। बिहारी जी श्रृंगार रस से संबंधित हैं। ठीक, 65वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ रस, रसों में सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ रस हो जाता है श्रृंगार रस। सिर्फ श्रृंगार रस का स्थाई भाग रति होता है। ठीक, तब आप 66वें प्रश्न पर चलते हैं। 66वां प्रश्न क्या कह रहा है, 66वां प्रश्न कह रहा है, 66वां प्रश्न कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। यह किसका कथन है वाक्य रसात्मक काव्यम, तो यह इसका जो ऑप्शन होगा सही वो विश्वनाथ का ये शब्द है। विश्वनाथ ने यह शब्द कहा है कि वाक्य रसात्मक काव्य। प्रश्न नंबर 67 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा भरत मुनि को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68वें पर चलते हैं। 68वां प्रश्न क्या कह रहा है, 68वां प्रश्न कह रहा है कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाली वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें रस पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो रस बोला गया है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बावनी वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, तो अबला बावनी वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, यानी वियोग रस में ये जो बात कही जा रही है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो वियोग रस होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, 69वां प्रश्न क्या कह रहा है कि माधुरी गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुरी गुण का, तो माधुरी गुण का किस रस में प्रयोग होता है, तो वो ऑप्शन नंबर दूसरा श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस, बिहारी जी श्रृंगार रस से संबंधित है, वही पहला ही प्रश्न मैंने बताया था इस वीडियो में। ठीक, तो चलते हैं हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि अब नहु नशानी अब न नशा हो में कौन सा रस है। ठीक, अब लव नशानी अब न नशाए हो में कौन सा रस है, रस पूछ रहा है। तो ये जो अब लव नशानी अब न नशाए हो में कौन सा रस है, तो इसमें जो रस की बात हो रही थी वो शांत रस है। ठीक, तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न चुनकर मैंने लाया हूँ, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपने आप को समझिएगा कि इस टॉपिक से कितना प्रश्न मैं सही कर पा रहा हूँ या क्या क्या हमको पता नहीं है, फिर उसके बाद उस टॉपिक को पढ़िएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।